नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन। सभी दोस्तों का ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ठंडी का मौसम चल रहा है तो ठंड इस समय दिल्ली में बहुत ज्यादा है और ठंडी में पढ़ाई करने का मजा कुछ और ही है। तो इसी के साथ साथ जो है प्रदेश सरकार भी जाग गई है ठंडी में और हर प्रदेश कुछ ना कुछ नई नई वैकेंसियां लाती जा रही है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का भी एक आभार रहा है, वो जो है समीक्षा अधिकारी आरओ और सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ की वैकेंसी जो है ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ये जो हमारा वीडियो है ये आरओ और एआरओ के सिलेबस पे चर्चा करेगा, वैकेंसी कब आ रही है, उसकी मतलब फॉर्म भरने की जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होनी चाहिए और इसके सिलेबस क्या है, कहाँ से प्रश्न आते हैं, कैसे आप तैयारी करें, इस पूरी रणनीति के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ आज ऑनलाइन एजुकेशन आपको जो है पूरा फुल सिलेबस बताएगा रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। तो दोस्तों, इसके पहले हमने बिहार की सिलेबस जाना था, इसके पहले उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हुआ था तो हमने क्रैश कोर्स चलाया था और बिहार पीसीएस 2018 जब होगा मई में आपका, तो फॉर्म तो डाल चुके हैं आप लोग, उसकी भी तैयारी चल रही है और उसके भी वीडियो आप देख ही रहे हैं आ रहा है आपका, जैसे पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है अभी। और जो हम आज समीक्षा अधिकारी का सिलेबस बता रहे हैं और ये जो आपका पेपर जो है 8 अप्रैल को होने वाला है 2018 में, तो सभी दोस्त तैयार हो जाएं, ठंडी के मौसम में रजाई में बैठ के पढ़ाई करें और आज पहले तो सिलेबस जान लेते हैं और इसका पूरा डिटेल समीक्षा अधिकारी का। तो दोस्तों आइए, जो है आपका नाम है आरओ रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी ऑब्लिक एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सहायक समीक्षा अधिकारी, ये आपका 2017 की वैकेंसी है। इसमें आपको 460 पद है, 460 पोस्ट है प्लस 5 जो है वो बैकलॉग के लिए जो उसको सरकार भरती है। दोस्तों आपका जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी में 2 पेपर होता है, पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज बोले तो सामान्य दिन का होता है और दूसरा पेपर आपका हिंदी का होता है, सामान्य हिंदी का होता है। दोस्तों तो जो आपका पहला पेपर होता है, आइए हम उसके बारे में पहला चर्चा करते हैं। आपका पहला पेपर हिंदी का है, सॉरी आपका पहला पेपर सामान्य अध्ययन का है। आपको इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा, आपके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, आपका निगेटिव मार्किंग आपकी बार से नहीं है 2017 में, आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है 140 है, आपके 140 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा और 140 नंबर के रहेंगे। और जो है इसके जो आप टॉपिक क्या क्या आपको पढ़ने हैं जीएस में, आइए हम आप विस्तृत चर्चा करते हैं उस पर। आपको पढ़ना है पहला सामान्य विज्ञान बोले तो इंग्लिश में जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, खासकर आपको बायोलॉजी पढ़ना होता है, जीव विज्ञान पढ़ना होता है क्लास 10-12 लेवल तक। इसके बाद आप का जो है भारत का इतिहास, आपको भारत के इतिहास में आपको एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, ये सब पढ़ने होते हैं। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो जो हुए थे वो आपको पढ़ना है 1857 के बाद। इसके बाद भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, इसी में आपको कॉन्स्टिट्यूशन संविधान भी पढ़ना है। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था एंड कल्चर, आपको भारतीय संस्कृत भी पढ़नी है जीएस में। इसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर, वाणिज्य व्यापार, कॉमर्शियल एंड ट्रेडिंग, आपको ये भी पढ़ना है क्योंकि आप एक समीक्षा अधिकारी बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसियों की समीक्षा करेंगे, इसलिए आपको कॉमर्स एंड ट्रेडिंग भी पढ़ना है। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक है दोस्तों जनसंख्या, पॉपुलेशन, पर्यावरण, इन्वायरमेंट, सिटीजनशिप, नागरिककरण, ये जो आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, ये भारत के पक्ष में पढ़ना है आपको जनसंख्या, पर्यावरण, नागरिकरण। इसके बाद आपका सातवां टॉपिक है विश्व और भारत का भूगोल, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन। आठवां टॉपिक आपका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। और आपका नवा टॉपिक है सामान्य बौद्धिक क्षमता, जनरल मेंटल कैपेसिटी, ये इसमें आपका 10th लेवल की मैथ होगी और भी रीजनिंग होंगे छोटे स्तर के, ये आपकी मेंटालिटी को चेक करने के लिए। इसके बाद आपका 10वां टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, एजुकेशन आप उत्तर प्रदेश, एंड कल्चर आप उत्तर प्रदेश, एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश, इंडस्ट्रियल आप उत्तर प्रदेश, ट्रेडिंग उत्तर प्रदेश, एंड उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन, और जो है सामाजिक प्रभावों के संबंध में, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में
विशिष्ट जानकारियां जो उत्तर प्रदेश का जो समाज है, जो वहां की संस्कृति है, जो वहां की शिक्षा है, जो वहां का रहन सहन है, जो वहां की प्रथा है, इन सब के बारे में आपको एक उत्तर प्रदेश की एक विशेष किताब पढ़नी पड़ेगी, जिसमें आपको पूरे उत्तर प्रदेश की जानकारी रखनी पड़ेगी, चाहे वो कृषि से क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे वो उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो। ये सभी जानकारियां आपको एक उत्तर प्रदेश की विशेष पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको जानकारियां मिलेंगी। तो हम इसका आप सोर्स आपको बता देते हैं पढ़ने का, आप कहां से पढ़िए। सामान्य विज्ञान की आप एक लूसेंट से पढ़ लीजिए, अब आपके लिए पर्याप्त होगा समीक्षा अधिकारी के लिए। भारत का इतिहास मेडिवल एंड जो एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़े होंगे, आप ग्रेजुएशन में जो पढ़े होंगे, वही इसके पर्याप्त है यहाँ के लिए। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 की क्रांति के बाद। अब राज व्यवस्था जो है आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं या नहीं तो एम लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स एस एन लाल पढ़ सकते हैं आप, और जो है कल्चर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। इसके बाद भारतीय कृषि एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेडिंग, जनसंख्या आप जनसंख्या रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। इन्वायरमेंट पर्यावरण, दोस्तों पर्यावरण के क्वेश्चन जो है इस समय हर एक सब्जेक्ट हर एक एग्जाम हर एक स्टेट गवर्नमेंट पर्यावरण पे ध्यान दे रही है और पर्यावरण के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए आप पर्यावरण पे बहुत ज्यादा फोकस करें। विश्व एवं भारत का भूगोल लूसेंट से पढ़ सकते हैं। और जो है प्राकृतिक संसाधन मैपिंग में आप मैपिंग भी इसमें करेंगे, क्योंकि मैपिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, द हिंदू का अगर पढ़ रहे हैं ठीक है, नहीं तो दैनिक जागरण पढ़िए, राष्ट्रीय संस्करण का पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, नहीं तो आप मैगजीन्स कोई योजना पढ़िए, योजना देखिए। सामान्य बौद्धिक क्षमता 10th तक का प्रारंभिक गणित आपका नॉर्मल मैथ्स एंड रीजनिंग वो आएगा। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल की एक बुक पढ़िए दोस्तों, ये आपका जो है 140 नंबर का पेपर होगा जीएस फर्स्ट, और इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 140 प्रश्न रहेंगे। निगेटिव मार्किंग 2017 में नहीं है, आपके बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, बोले तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4 विकल्प दिया होगा आपका, उसमें से आपका 1 विकल्प सही होगा, तो आपका पेपर फर्स्ट खत्म हो गया 2 घंटे बाद। और आपको उसी दिन फर्स्ट डे ही सेकेंड इनिंग में मतलब दूसरी पारी में आपका जो पेपर होगा उसका नाम है हिंदी, सामान्य हिंदी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं जनरल हिंदी, वो आपका सामान्य हिंदी है, ये आपका दूसरा पेपर होगा जो समीक्षा अधिकारी का होगा। इसमें दोस्तों आपको सिर्फ 6 टॉपिक पढ़ने हैं, आपको प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए जो आप बोलते हैं प्री का एग्जाम, उसमें बैठने के लिए आपको 6 टॉपिक बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। इसमें आपको 60 प्रश्न आएंगे, आपके मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर रहेंगे, 60 मार्क्स रहेंगे, आपको टाइम भी 60 मिनट मिलेगा, बोले तो 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। तो आपको जो इसमें 6 टॉपिक है मैं आपको बता रहा हूं, आपका 6 टॉपिक कौन कौन से हैं। योर फर्स्ट टॉपिक इज एंटोनिम वर्ड, इंग्लिश में एंटोनिम्स बोलते हैं, अपोजिट वर्ड बोलते हैं, हिंदी में विलोम शब्द है। ये आपके 10 प्रश्न आएंगे, 10 विलोम शब्द आपसे पूछा जाएगा और 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से 1 सही होगा आपका, वही बताना रहेगा। इसके बाद दूसरा जो आपका है वाक्योम वर्तनी सूत्र, इसमें जो इनकरेक्ट वर्ड्स रहेंगे, गलत शब्द जो दिए रहेंगे आपको सही छाटना है, ये भी आपका 10 शब्द रहेगा, 10 नंबर का। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, वो भी आपका 10 सेंटेंस रहेगा, 10 वाक्य रहेगा, 10 नंबर का। 4th टॉपिक है तत्सम एवं तद्भव, ये इससे जो आपको तत्सम अगर पूछ लेगा तो उसको तद्भव में और तद्भव को तत्सम में बताना रहेगा, ये 10 शब्द रहेगा, 10 नंबर का। और विशेष एवं विशेषण, जो आप एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ते हैं, ये आपका इंग्लिश में उसको बोलते हैं और हिंदी में विशेष एवं विशेषण, 10 शब्द रहेंगे, 10 नंबर का रहेगा। आपका जो 6th टॉपिक है लास्ट सेनानिम वर्ड्स, पर्यायवाची शब्द, ये भी 10 नंबर का और 10 शब्द रहेंगे इसके। तो आप डिवाइड कर लीजिए, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 60, ये आपका जो है इधर होगा 60, आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मार्क्स रहेगा, 60 मिनट रहेगा और नो निगेटिव मार्किंग, ये आपका हिंदी का सेकंड पेपर हो गया। तो हमने जान लिया आपका पेपर फर्स्ट में कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपके पेपर फर्स्ट के लिए है, और इधर हिंदी का जो आपका पेपर सेकंड के लिए है, हमने मैक्सिमम मार्क्स जान लिया, मैक्सिमम टाइम जान लिया, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सब देखिए। आपका जो पद है, पदों की संख्या 460 प्लस 5, बोले तो 465 है, और 2017 की वैकेंसी आपको वेबसाइट पे यूपीपीएससी.nic.in पे
वो आपको 30/12 से अवेलेबल हो जाएगा। 30/12/2017 से आप फॉर्म को डाल सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। आप जो है इंटरनेट पर बैठ के ऑनलाइन माध्यम से 30 दिसंबर से फॉर्म को भर सकते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का। और आपका जो फॉर्म पेमेंट का अंतिम तिथि है वो 25/1/2018 है। आपको फॉर्म भरने के लिए जो पेमेंट करना होगा 25 जनवरी 2018 तक ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। और इसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए, जो लोग सोच रहे होंगे फॉर्म भरने की, उनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो 21 वर्षों से लेकर 40 वर्षों तक होनी चाहिए और आपका 1 जुलाई 2017 को 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। जो लोग 1 जुलाई 2017 के पहले पहले 21 वर्ष पूरा कर ले जाते हैं वो समीक्षा अधिकारी का फॉर्म 25 जनवरी 2018 तक डाल सकते हैं। 30 दिसंबर 2017 से फॉर्म भरा जा रहा है दोस्तों। तो मैंने आज आपको बता दिया कि हमारा प्री के जो दो पेपर है वो कौन कौन से है, कितने मार्क्स के हैं, कितने टाइम मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ये आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन है, और कब फॉर्म कब से भरा जाएगा, कब तक लास्ट डेट है, और परीक्षा की जो तारीख तय की गई एग्जाम की, आपका एग्जाम की तारीख जो है 8 अप्रैल को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा। इसके लिए सेंटर्स तय किए गए हैं, आप जो है अपना एड्रेस जहां का देंगे उसी के आसपास में आपका सेंटर जाता है। तो 8 अप्रैल 2018 को आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा। आपके पास अभी भी जनवरी फरवरी मार्च आपके पास 3 महीने पूरे बचते हैं, आप बहुत 90 दिन में बहुत अच्छे से प्री की तैयारी कर सकते हैं और ऑनलाइन एजुकेशन की वीडियो को देखते रहें दोस्तों। ऐसे ही जो आपको ये हम आपको बिहार पीसीएस समीक्षा अधिकारी और 24 जून को उत्तर प्रदेश पीसीएस का अपर का जो एग्जाम है वो भी हम साथ साथ करवाते चल रहे हैं। तो ये तो आज का शेड्यूल है। जो लोग 21 वर्ष के हो गए हैं 1 जुलाई 2017 को वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी आज 28 दिसंबर 30 दिसंबर से फॉर्म भरे जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं समझता हूँ काफी है। और जो मेंस का सिलेबस है वो जब हम प्री का एग्जाम हो जाएगा तो हम मेंस का सिलेबस बताएंगे और मेंस की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपसे जो अगली वीडियो में मिलेंगे, और उससे अगली वीडियो से मिलने से पहले हम आपको बता दें कि ऑनलाइन एजुकेशन को जो लोग देख रहे हैं उनको पसंद आ रहा है लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर उनको कोई सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे अबाउट में आप जाकर हमारे प्रोफाइल को देख सकते हैं, फेसबुक अकाउंट को देख सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को, ट्विटर अकाउंट, गूगल प्लस पे आप जाके ट्वीट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हमें बतानी थी मैंने बताया, और आप हमारे बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपके लिए बहुत हमने हिंदी के जो है समीक्षा अधिकारी के लिए हमने विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी सूत्र, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये 6 टॉपिक हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है। हमने प्री की तैयारी बहुत पहले ही करवा दी थी, 2 महीने पहले हमने ये सब वीडियो डाल दिया था, आप देख सकते हैं। हिंदी की बहुत अच्छी वीडियो हमने 7 वीडियो डाली हिंदी की, और 25 मिनट 30 मिनट की ऐसी वीडियो है, आप देख सकते हैं हिंदी की। अब जो आपका रह रहा है टॉपिक वाइज, इसमें भी आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो रहा है, जनरल साइंस हमने क्रैश कोर्स में कराया हुआ था, और जैसा कि मैं भारतीय राज व्यवस्था खुद पढ़ा रहा हूं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका सारा सब्जेक्ट हम करवाएंगे। और हमारे जो ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाने वाले लोग हैं ऐसे आपके लिए लास्ट टाइम में एक क्रैश कोर्स का क्वेश्चन बताएंगे, और उसी क्वेश्चन में जैसे पीसीएस में आपका 45 क्वेश्चन फंसा था हमारे चैनल से, ऐसे ही समीक्षा अधिकारी में भी आपको बहुत सहायता मिलेगी हमारे चैनल से। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत से लोग हमारे चैनल को देखें सब्सक्राइब नहीं करना जान पा रहे हैं, या जो लोग पहली बार यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करना नहीं जान रहे हैं, तो चैनल के नीचे आप देखेंगे एक रेड क्लिप आएगी, उस पर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो आप वहां पे क्लिक करिए। उसके बगल में एक बेल बनी आती है, उस पर भी क्लिक करिए, जिससे कि मेरी वीडियो अपलोड होती ही मेरे सब्सक्राइबर तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, और भी अपने सभी चाहने वाले लोगों को बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप एजुकेशन दे रहा है, और आप सबके लिए जो है बहुत ही लाभदायक एवं महत्वपूर्ण होगा। तो ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को भी प्रेस करिए। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे विदा चाहेंगे, आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।